सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम तक बहुत सारे एम सी क्यूज का साइड बाई साइड प्रिपरेशन आपका हो जाए तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन से व्हेन वन और मोर कंपनी इज लिक्विडेटेड बट नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड एस मर्जर एब्जॉप्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फ्रेंचाइसी तो जब भी एक कंपनी या फिर उससे ज्यादा कंपनी इस लिक्विडेड होती है लेकिन कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती तो ऐसे केस को क्या बोला जाता है मर्जर एब्जॉप्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फ्रेंचाइसी तो ऐसे कंसेप्ट को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ध्यान रखना दैट इज कॉल्ड एज

सेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर तो उसमें एक तो हमें गुडविल मिलता है या फिर हमें कैपिटल रिजर्व मिलता है तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्सेस ऑफ नेट असेट्स टेकन ओवर नेट लाइबिलिटीज मतलब आपके नेट असेट्स ज्यादा है नेट लाइबिलिटीज कम है तो बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड मिलेगा एंड दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व अगर आपके लाइबिलिटीज ज्यादा होंगे और असेट्स कम होंगे तो असेट्स में बैलेंस आएगा दैट विल बी कंसिडर एज गुडविल तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट इज एल एल पी एक्ट वॉज पास इन द ईयर तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट जो है वो कौन से ईयर में पास किया गया तो इट्स अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एल एल पी इज अड स्ट्रक्चर इट विल हैव सम एडवांटेजेस ऑफ दी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड सम एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म तो जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म के दोनों के एडवांटेजेस को मिक्स करके इंटीग्रेट करके एक कंसेप्ट फॉर्म हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड एस एल एल पी और जो कौन से ईयर में एक्ट पास हुआ था इट वॉज पास इन दर टू थाउजेंड एट तो टू थाउजेंड एट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड इन विच हेड इन द बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से हेड में प्रेजेंट किया जाता है काफी सिंपल है आप कहेंगे सर शेयर कैपिटल में प्रेजेंट किया जाता है लेकिन ऑप्शन में देखो ध्यान से शेयर कैपिटल है ही नहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म ओन फंड्स या नन ऑफ दी अबाउ तो इसका राइट right आंसर आप थिंक आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट right आंसर है ओन फंड्स, ओन फंड्स में उसको प्रेजेंट किया जाता है तो काफी सारे एमसीक्यूज उसको हम सॉल्व करने वाले हैं ध्यान रखना ऐप भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप आप का लिंक मिल जाएगा वहां से आप ऐप डाउनलोड कर ले और अगर अभी तक कुछ भी प्रिपरेशंस नहीं किया है तो ऐप पे कोर्सेज भी अवेलेबल है एक बार स्टोर सेक्शन जरूर चेक करें काफ़ी सारे वीडियोस आपको फ्री में भी मिलेंगे काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी हैं इफ़ यू आर मोर कम्फर्टेबल विद दिस सिलेबस तो नो no प्रॉब्लम आपको काफ़ी सारे फ्री वीडियोज़ में भी आपका काम हो जाएगा और ये एम तो आपको काफ़ी सारे फ्री में ही मिल रहे तो बेसिकली

क्वेश्चन नंबर सेवन काफी इंपॉर्टेंट एक ना एक क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पेपर में पूछा जाएगा तो ध्यान रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी चैप्टर से रिलेटेड है जैसे कि अमाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन फॉरेन करेंसी जो इस क्वेश्चन में है वो हम डिस्कस करेंगे द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिलेटेड विद विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फॉरेन करेंसी जो हमने पढ़ा है कॉल्ड एस एफ ई एफ उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री जो है दैट इज रिलेटेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या सेंट्रल गवर्नमेंट तो हुईंट द ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट दल लिक्विडेटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है नेक्स्ट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एल एल पी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर कॉल्ड एस में कंपनीज ओनर्स ऑफ द कंपनीज हेड ऑफ दायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं हमने डिस्कस किया था कि कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एल में होने चाहिए तो ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है इनको क्या बोला जाता है दे आर कंसिडर एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आई होप कि यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस यू आर गेटिंग क्लियर विद द कंसेप्ट काफी बहुत सारे जो चैप्टर से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती है लेकिन आपको उस टाइम पे डिफिकल्ट लगती है सारी चीजें कवर अप करवाऊंगा ताकि पेपर में कैसे भी एम से क्यूज पूछा जाए हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस से आपको फायदा हो रहा है आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल पाए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर ऑल्सो नोन एज अनमार्क एप्लीकेश को क्या कहा जाता है अनमार्क एप्लीकेशन का मतलब है जिस एप्लीकेशन पे किसी का भी स्टैंप नहीं होगा ऑल आर नॉट एनी ऑफ दो अंडर राइटर्स इज कॉल्ड एज अनमार्क एप्लीकेशन और जिसके ऊपर अंडर राइटर्स का स्टैंपिंग है उसे हम कहते हैं मार्क एप्लीकेशन तो अनमार्क एप्लीकेशन आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एप्लीकेशन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन रेगुलर एप्लीकेशन या रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन तो अनमार्क एप्लीकेशंस को हम डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी कहते हैं बिकॉज इसके ऊपर किसी का भी स्टैंप नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंगटेड लॉसेस तो इनमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस जिसको हम फिक्टिशियस के नाम से भी जानते हैं तो इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं, जिसको हम एक्यूमलेटेड लॉसेस कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ऑल ऑफ द अबाउ तो इनमें से जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे हमारे एक्मिलेटेड लॉसेस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिफ्टीज असेट्स और मिसेलेनियस एक्सपेंस तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दबाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द मैगजिम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द एल एल पी इज सेवन फिफ्टी टू हंड्रेड या नो no लिमिट तो मैक्सिमम नंबर्स के बारे में मैंने डिस्कस आपको पहले भी करवाया था कि मैक्सिमम नंबर्स जो एलएलपी में होते हैं उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है मिनिमम नंबर के लिए कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए दो पार्टनर्स मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होगी एल के केस में क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये फिर से लिस्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है लास्ट लेक्चर में भी हमने लिस्ट लेक्चर लिस्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट जो एमसीक्यूज आए थे पिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लिस्ट सी लिस्ट डी लिस्ट बी या लिस्ट जी इसके लिए एक ही ऑप्शन है आप सारे लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर ले तो लिस्ट का मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था मतलब वो आ, इस वीडियोज में था ही अव, अवेलेबल इसमें भी मैंने अवेलेबल करके दिया है उसको ध्यान से एक बार देखना तो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा लिस्ट है लिस्ट जी So this is the list. List A से लेके लिस्ट एच तक बढ़ के रखे कोई भी इससे पूछे गए तो आपको पेपर में प्रॉब्लम फेस नहीं होने चाहिए समझो कभी लिस्ट सी पूछ लिया तो यू शुड नो दैट इट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो ऑल दिस लिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होंगे सबका पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर करने वाला हूँ एप पे तो ऐप आप पे आपको मिलते रहेंगे जो पीडीएफ होंगे कंबाइंड शेयर करूंगा ताकि सभी पीडीएफ एक ही पीडीएफ में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाए और टेलीग्राम का चैनल है लास्ट मिनट रिविजन भी दारे सेम उसको भी ज्वाइंट कर ले वहां पे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लिंक्स सब कुछ वहां पे शेयर होते रहता है ताकि आप और मैं एक दूसरे के साथ टच में रहे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असेट्स अंडर एलएलपी आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट

फर्म अंडर राइटिंग कंप्लीट अंडर राइटिंग ध्यान से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है वेन एन अंडर राइटर एग्रीज टू बाय अंडर राइटर जो है वो बोलता है कि मैं इतने शेयर्स तो मैं खुद बाय कर लूंगा दैट इज द पॉइंट कॉल्ड एज उसको कहते हैं फर्म अंडर राइटिंग ये कंसेप्ट को क्या कहते हैं फर्म अंडर राइटिंग मतलब अंडर राइटर बाहर वाले बंदे को शेयर्स नहीं बेचेगा वो कहेगा कंपनी से कि इतने परसेंट शेयर्स तो आपके मैं ही खरीद लूंगा दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग तो यही थे आज के फिफ्टीन क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए लाइक द वीडियो लाइक करें अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एम रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर